डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन टू मोड्यूल वन सेवेंटी फ़ोर ऑफ़ योर इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स इन दिस सेगमेंट मैं आप लोगों से शेयर करूँगा जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनकी डेटा साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है और किस तरह वो इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल क्वार्टर ऑफ लाइफ बेशक वो आपकी पर्सनल लाइफ है किसी और की पर्सनल लाइफ है वो आपकी कंपनी है वो आपकी सोसाइटी है डेटा साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स वो हर जगह पे दे कैन प्ले अ पॉजिटिव और नेगेटिव रोल इसलिए एथिक्स जो है वो डेटा साइंस के जो रोल है उसमें दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल अच्छा इसके लिए जो ना हमें थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरह से जो डिफरेंट सिस्टम शुरू हुए किस तरह से लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और हो इट इज़ इम्पेक्टिंग ओवर लाइफ फिर दूसरा इसके अंदर कुछ और आस्पेक्ट्स हैं अंडरस्टैंड करने वाले कि कोई एक बंदा जिसकी डेटा पे एक्सेस है ही कैन बी हार्मफुल टू इवन अ स्टेट अभी हम अगर देखें कि वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट कुछ लोगों ने जो इंफॉर्मेशन थी या डेटा था अबाउट सम क्रिटिकल इश्यूज़ अबाउट सम ग्लोबल पर्सनैलिटीज़ अबाउट डिफरेंट गवर्नमेंट्स उन्होंने वो डेटा जब पब्लिक से शेयर किया तो इट क्रिएटेड ह्यूज यू नो सॉर्ट ऑफ केयस इन द वर्ल्ड कि लोगों को उन्हें जिसे कहते हैं ना हलचल मचा दी कि किस तरह से वो डेटा कितना इम्पोर्टेंट था लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज uh, थी या उनके जो डिफरेंट रोल्स थे इन देर प्रीवियस हिस्ट्री या उनके जो पास्ट में जो रोल्स थे उसमें वो किस तरह से वो डाटा जो था उसने उनका या इंफॉर्मेशन ने रोल प्ले किया एंड इट बिकेम्स वेरी क्रिटिकल फॉर देयर फ्यूचर एंड नॉट ओनली फॉर देयर फ्यूचर्स बल्कि सपोज़ जिन कंट्रीज़ से या जिन कंपनीज के साथ उनका लिंक था उनमें भी जो है उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा इसकी और भी मिसाल है कि जैसे एनालिटिक्स जो एनालिटिकल कंपनीज़ हैं जो एनालिटिक्स पे काम करती हैं वो या सोशल मीडिया की बड़ी कंपनीज़ उन्होंने भी आपस में मिल के कुछ इस तरह के काम किए हैं जिसकी वजह से जो है लोगों की या आम पब्लिक की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है दैट वाज मिस ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि एज ए डेटा साइंटिस्ट आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है इट इज़ इन फैक्ट मैं कहूँगा इट इज़ क्रिटिकल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो इखलाकी अहमियत है या एथिकल वैल्यूज़ हैं वो हर प्रोफेशन में वो इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली हर जो भी प्रोफेशन है किसी का कोई भी पेशा है जिसमें आप लोग काम करते हैं इंपॉर्टेंट बट डेटा साइंटिस्ट इज़ क्रिटिकल उसकी वजह यह है कि यू हैव एक्सेस टू लोगों की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनकी हेल्थ के बारे में उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में उनकी पोलिटिकल अफिलिएशन के बारे में या उनका जो भी पास्ट है फ्यूचर प्लानिंग है तो दिस मेक योर रोल वेरी वेरी क्रिटिकल सो मेक श्योर दैट यू प्ले द पॉजिटिव रोल इन कैपेसिटी ऑफ डेटा साइंटिस्ट जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से कंप्यूटर साइंस इवॉल्व हुई आज से पचास साठ सत्तर साल पहले जब कंप्यूटर साइंस शुरू हुई तो उसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ की क्या अहमियत थी फिर जैसे जैसे डिफरेंट जनरेशनज हैं वो आती रहीं उसकी वैल्यू बढ़ती रही वो भी अभी मैं आपसे शेयर करूँगा एंड विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स यू विल हैवे वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक किस तरह से जब शुरू हुआ कंप्यूटर तो क्या मामला थे दुनिया के फिर जो सेकंड जनरेशन आई थर्ड फोर्थ और आजकल हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं रहते हैं उसमें किस तरह से कंप्यूटर ने एक रोल प्ले किया और किस तरह से जो आपका डाटा है किसी का भी पर्सनल डाटा हो इट इज़ एक्सपोज और स्टोर्ड और यूज बाय समी एल्स विद और विदाउट योर कॉन्सेंट हम ये जो कॉन्सेंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें भी अगले कुछ मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड स्टेप बाई स्टेप कि ये चीज़ें कितनी कितनी क्रिटिकल हैं जब कंप्यूटर शुरू हुआ है ना आज से पचास साठ साल पहले सत्तर साल पहले तो मेन कंप्यूटर थे एक बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था और सिर्फ कुछ लोग उसको यूज़ करते थे और उसके जो ओवरऑल उसका जो था आप कह लें कि एको या पूरा सिस्टम था कंप्यूटर का उस ज़माने में वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम होता था कुछ दो चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी कोबॉल फोटरान आर और बस वो उस वक्त की आज से जो पचास साठ साल पहले का कंप्यूटर था कंप्यूटर साइंस थी उसकी दुनिया बड़ी लिमिटेड थी सिर्फ कुछ लोग उसको यूज़ करते थे तो सिक्योरिटी का एथिकल वैल्यूज़ का ये कोई दैट वाज नॉट अ चैलेंज एट ऑल अच्छा फिर अगली जनरेशन आई मिनी आ गए अभी भी इवन मिनी कंप्यूटर्स भी एक्सेस लिमिटेड थी लोगों की साथ उसमें ये फ़र्क पड़ा कि डाटा आ गए लोगों की जो एक्सेस थी बढ़ गई यूजेज बढ़ गया डिफरेंट जो आपकी इंडस्ट्रीज थी गवर्नमेंट के अलावा ये फर्ज़ करें जो साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एरियाज थे फर्ज करें एटॉमिक एनर्जी कमीशन या हेल्थ साइंसेस और इस तरह के कुछ एरियाज थे जहाँ पे उन्होंने अपना जो डेटा था दे स्टार्टेड स्टोरिंग इट एंड यूजिंग इट तो कुछ फ़र्क पड़ा बट स्टिल इट वॉज नॉट अ मेजर शिफ्ट फ्राम मेन फ्रेम टू मिनी कम्प्यूटर्स एज फार एज यूअर आपकी जो एथिकल वैल्यूज़ या प्राइवेसी सिक्योरिटी ये चीज़ें कंसर्न करती हैं दैट वॉज नॉट रियली इन टू पिक्चर क्योंकि अभी भी उस जमाने तक टिल द टाइम ऑफ मिनी कम्प्यूटर्स एक लिमिटेड सेट ऑफ़ पीपल थे हु हैज़ एक्सेस टू दम्प्यूटर सिस्टम्स जो असल चेंज आई है दुनिया में दैट हैपंडर पर्सनल कंप्यूटर्स जब पर्सनल कंप्यूटर आ गए हर बंदे को एक कंप्यूटर मिल गया लोगों ने डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ करना शुरू कर दी और उस वक्त जो फ़र्स्ट टाइम ये हुआ कि एक सर्वर है जिसपे डाटा पड़ा है उसे कहते है थे डैस्क टॉप और सरवर इन्वायरमेंट के सर्वर पर डाटा पड़ा है डैस्कॉप कम्प्यूटर पर डेटा पड़ा और मुख मुख्य मख्तल लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो ऐट देट टाइम जो डिफरेंट यूज़र थे उनके जो यूज़र राइट्स वगैरह थे वो डिफ़ाइन होना शुरू हुए कि कौन बंदा कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है क्या वो नहीं कर सकता कब कर सकता है देर आर टाइमिंग दैन ऑल देट तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना पर असल जो चेंज आई है जिसे आप कह सकते हैं जो पैराडाइम शिफ्ट आई है दैट हैपन आफ्टर पर्सनल कंप्यूटर्स तो पर्सनल कंप्यूटर्स के बाद जो है ना असल चेंज आई है दुनिया में जिससे हमें ये चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं आहिस्ता आहिस्ता कि प्राइवेसी कंप्यूटर साइंस में ये डेटा की प्राइवेसी क्या है डाटा की सीक्रेसी क्या है डेटा के जो एथिक्स है वो क्या है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें दुनिया में इनका असर आना शुरू हुआ अच्छा उसके बाद फिर जो ज़माना है वो था इंटरनेट का अगेन आफ्टर पर्सनल कम्प्यूटर्स इंटरनेट वॉज दी एन अनदर रेवोल्यूशन एक जो रेवोल्यूशन आई है ना दुनिया में मैं कहूँगा कि एवरी थिंग अगर आप आज की अपनी ज़िंदगी देखें तो इंटरनेट ने हम सब की लाइफ्स को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया पॉजिटिव वे में भी किया और नेगेटिव वे में भी किया कि अब हुआ ही है बेसिकली इंटरनेट की वजह से दुनिया जिसे कहते हैं कि जी ग्लोबल विलेज बन गई है उसके पीछे जो असल चीज़ है वो है आपका इंटरनेट क्योंकि इंटरनेट ने हमें पूरी दुनिया को एक ट्वेंटी फोर बाई सेवन सोसाइटी में शिफ्ट कर दिया है और लोग जो डिफरेंट एरियाज में हैं बेशक कोई इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स दे आर कम्युनिकेटिंग एट द सेम टाइम और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मुझे फ़ौरन रिस्पॉन्स मिले तो इंटरनेट ने बेसिकली जो है ये जो चीज़ों को चेंज किया है असल में स्टेप बाई स्टेप देर वॉज एन एवोल्यूशन पर्सनल कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट स्टेप एंड द दिक्ड स्टेप वॉज योर इंटरनेट अच्छा इन इंटरनेट के बाद फिर ये हुआ कि ई कॉमर्स शुरू हो गई ई कॉमर्स शुरू हो गई सोशल मीडिया शुरू हो गई जब ई कॉमर्स शुरू हुई अब एक बंदा बैठा नॉर्थ अमेरिका में उसका जो बायर है वो बैठा सपोज पाकिस्तान में या एशिया में किसी कंट्री में तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे दैट इज़ स्टिल एन ओपन क्वेश्चन क्योंकि ये जो इट इज़ नॉट रियली रेगुलेटेड सो फार कि आपकी जो ई e कॉमर्स है अब आप देखें क्रिप्टो करेंसीज़ आ गई हैं सोशल मीडिया पर बेशुमार चीज़ें आ गई हैं जिनकी वजह से आप लोग यू you नो know, के एथिकल वैल्यूज़ का मसला इस वक्त दुनिया को डेफिनेटली है और उसमें जो पर्सनल पर द फर्स्ट है फिर आपके अब स्मार्टफोन आ गए हैं कि अब आपका जो कंप्यूटर और फोन ये एक ही डिवाइस के अंदर हर चीज़ आ गई इट मीनस दैट कि अब आपके पास एक कंप्यूटर अब कहते ही है कि जो जब द uh, फर्स्ट जो मिशन था विच लैंडेड ऑन मून उसकी जो कंप्यूटर की जो डेटा प्रोसेसिंग की कैपेसिटी थी वो आजकल का जो आपका एक स्मार्टफोन है उससे कम थी तो आप इमेजन करें कि कितनी ज़्यादा जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी इस वक्त तो हमारी जेब में है और हम उसको कितना यूज़ कर रहे हैं या मिस यूज़ करें इट इज़ अप टू अस और फिर इसके अलावा इसमें जो डिफरेंट एंगल वो ये कि वो जो सोशल मीडिया का एक इम्पेक्ट आया दुनिया पर दैट इज़ अगेन अ पैराडाइम शिफ्ट पर्सनल कंप्यूटर्स फिर आपके स्मार्टफोन आ गया फिर आपका इंटरनेट आया फिर उसके बाद सोशल मीडिया जब सोशल मीडिया जो आया है मार्केट में दैट इज़ अ रियल गेम चेंजर एक होता है ना कि एक टिपिंग पॉइंट होता है कि आप जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच हैं जिसके बाद चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और हमारा क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है या ये जो करंट सेगमेंट में जो हम चीज़ें इन मॉड्यूल्स में जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं दे आर अबाउट एथिकल वैल्यूज़ एंड डेटा साइंस तो उसमें आप लोग ये देखेंगे कि जो एक पैराडाइम शिफ्ट अगेन आई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और आप ये इमेजन करें कि आप जब सपोज ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ एक्सपीरियंस कि आप इंटरनेट पर जाके फर्ज करें अगर आपने अपना ई मेल अकाउंट बनाना है आपने किसी सोशल मीडिया का अकाउंट बनाना है तो यू हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम अपना नाम जेंडर यू नो योर एज योर इनकम और कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ कहाँ से बिलोंग करता हूँ और फिर वो आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं इट मीनस दैट दैट इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड किसी का आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में इंटरेस्ट है और इमेजिन करें कि इस वक्त दुनिया में जो सोशल मीडिया के यूज़र है रजिस्टर्ड यूज़र पाँच अरब से ज़्यादा है विच इज़ मोर दैन टू थर्ड और थ्री फोर्थ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कि इतने लोगों का अगर डेटा सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो आप इमेजिन करें कि उस डेटा को कोई भी कितना स्मार्टली यूज़ कर सकता है बोथ इन पॉजिटिव और नेगेटिव वेज अच्छा अब हुआ यह है कि हम लोग जिस सोसाइटी में जैसे मैंने अभी बात की कि वी आर नो इन टू ट्वेंटी फोर बाई सेवन सोसाइटी वो सोसाइटी ऐसी है कि अब आप देखें अगर हम अपने इर्द गिर्द का कल्चर देखें एंड इट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड कि लोग चौबीस घंटे जागते हैं सुबह को काम करते हैं शाम को सोते हैं विच इज़ रियली नॉर्मल लेकिन बहुत सारे लोग अब रातों को काम करते हैं दिन में सोते हैं उसकी वजह यह है कि वो एक सोसाइटी में रहते हुए एक टाइम जोन में रह के किसी और सोसाइटी के लिए किसी और टाइम जोन के लिए काम करते हैं विच मेक देम देयर लाइफ डेफिनेटली देयर दे हैव मोर यू नो स्मार्ट पेमेंट्स जो उनकी पर्क्स हैं सैलरीज हैं वो ज़्यादा हैंडसम है लेकिन एट द सेम टाइम लाइफ इज़ चेंजिंग so this is uh, you know uh, my thoughts about uh, how data science and computer science they're integrated and how it is helping or creating problems for life of a human being thank you